पीथमपुर के सागौर थाना क्षेत्र में 15 जनवरी को हुई सनसनीखेज लूट की वारदात का पीथमपुर पुलिस ने खुलासा किया है। सोना चांदी व्यापारी के आभूषण लूट कर ले गए थे लुटेरे, करीब 9 लाख से अधिक की लूट हुई थी। लूट के पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए के जेवरात और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। इसी लूट के खुलासे में पीथमपुर थाना सागौर के पदस्थ DSP अंकिता सुल्या ने प्रेस वार्ता में लूट का खुलासा करते हुए बताया कि व्यापारी से लूट होने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली तो लूट के आरोपी पीथमपुर की माता टेकरी क्षेत्र में छुपे हुए थे। पुलिस ने एक टीम बनाकर इन आरोपियों को पकड़ा। पकड़े गए लूट के आरोपियों के पास लूटे गए गहनों से करीब 4 किलो चांदी और एक मोटरसाइकिल जब्त हुई। कुल 4 लोगों ने मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 2 लोग अभी भी फरार है, जबकि 2 लोगों को पुलिस ने दबोच लिया है। पीथमपुर ग्राम सागौर थाना क्षेत्र में 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सोना चांदी के व्यापारियों से 4 अज्ञात बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से कार को रोककर सोना चांदी के आभूषण लूट कर ले गए थे। सोने चांदी के आभूषणों की कीमत लगभग 9 लाख रुपये बताई गई थी। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। बगड़ी का रहने वाला ये जो सोनार था, ये पिपलिया गांव में लूट की गई थी मकर संक्रांति वाले दिन, और काफी मात्रा में सोना और चांदी गया था। और इस लूट में जो संदिग्ध आरोपी थे वो आज हमारे गिरफ्त में आए हैं। इनमें से 2 आरोपी यहां पर है और 2 आरोपी जो है वो अभी भी फरार है, और ये आशंका है कि जो बड़गोंदा वाली लूट है उसमें वो लोग सस्पेक्ट है। अच्छा, कुल घटना में कितने आरोपी थे? कुल 4 आरोपी थे। जो माल जब्ती हुआ उसकी कुल कीमत कितनी है? कुल कीमत करीबन 9 लाख थी, और अभी जो हमने माल इन लोगों से बरामद किया है वो करीब 3 लाख का बरामद किया है, और एक मोटरसाइकिल बरामद करी हीरो होंडा डीलक्स जिससे इन लोगों ने लूट करी थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।